ऑलराइट, सो यो व्हाट अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 9 ऑफ ट्रैवलिंग। तो जैसा कि आपने पूरे पिछले व्लॉग में देखा था, हम लोग मनाली से चेकआउट किए थे। अभी रिवर राफ्टिंग का वीडियो डालना है, वो आएगा जब आप देखना। तो अभी हम लोग आए धर्मशाला में। तो अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट है धर्मशाला का, वो है योगा मेडिटेशन कैंप। अभी उधर जा रहे हैं, जैसे व्यू बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिकेट स्टेडियम, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से वो व्यू जो मैं आपको बताया था, यही है वो व्यू। देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। वैसे बहुत हाइट पे है हमारी होटल, धर्मशाला की जो होटल है बहुत हाइट पे है। तिब्बतन प्रीस्ट, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। और अभी मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है, नहीं तो आपको दिखाता हूँ सीधा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आया हुआ है। वो स्टेडियम बहुत अच्छा है, तो आपको वो दिखाऊंगा, पूरा टूर दोगे उस स्टेडियम का। यहाँ पर हम लोग थोड़ा और ट्रैक करके आगे आए, तो यहाँ पर हमको एक टेलीस्कोप मिला है जिससे बहुत दूर तक दिखता है। क्या दिख रहा है बताओ? नीचे व्हाइट टेंपल दिखेगा आपको, फिर पीछे के टेंपल दिख रहा है, काली माता का मंदिर है, गुना देवी बोलते हैं सर इसको। जी जी, ऐसे नहीं दिखता, हम देखते हैं अभी। हाँ, वो रहा कैमरे में पहले दिखा दो। कितने मीटर तक देख सकता है? देखो, 5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस बस। हाँ, देखो हम कुफरी में गए थे, वहाँ से हमारे को हिमालयन विमालयन वो सब देखा था, सब चौदह बनाते हैं, इतना नहीं दिखता है, पर ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं मैक्लोडगंज, जो धर्मशाला में ही आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का फेमस दलाई लामा टेम्पल, जो अभी कुछ ही दूरी में है। यहाँ पर पूरा तिब्बती टाइप है, ऐसा फील आ रहा है कि हम लोग चाइना में। तिब्बती मार्केट है, पूरा तिब्बती मार्केट है, पूरा तिब्बती लोग है। यहाँ पर चीज़ें भी आपको वैसी मिलेगी, लैंग्वेज भी इनकी वैसी है। अभी हम लोग जा रहे हैं दलाई लामा टेम्पल, यहाँ पर बहुत फेमस है, काफ़ी दिखाते हैं दलाई लामा टेम्पल। यहाँ पर देखो बहुत सही जगह है, यहाँ पर ये मार्केट इनका बहुत अच्छा है। ये देखो इंजॉय, उनका दुकान है, पूरा मार्केट ही इनका, पूरा तिब्बती स्टाइल में बना हुआ है। ये चीज ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा अगर हो सके तो, ऐसे घुमाने से और बजाने से ऐसे मेडिटेशन वाइब्रेशन आते। देखो सब में आपको बुद्धे, ऐसे मत करे गाइस। ये देखो इनका पूरा बहुत सही जगह है, क्रिसमस ट्री भी है। और वैसे मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। देखो यहाँ पर आपको सब तिब्बती लोग ही दिखेंगे, मोस्टली यहाँ पर फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, इंडियन कम ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा इनने एक अपना अलग ही बना के रखा हुआ है तिब्बती मार्केट। यहाँ पर आपको रेयरली यहाँ के हिमाचल के लोकल लोग मिलेंगे, ज़्यादातर तिब्बती। देखो आप देख सकते हैं तिब्बती ही मिलेगी, यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ है। देखो मार्केट एक्सप्लोर करने में वैसे मार्केट बहुत अच्छा है, और मंदिर थोड़ा आगे है, कम से कम 500 मीटर आगे है जिधर से कार पार्किंग है। और यहाँ पर क्योंकि गाड़ी की समस्या है, पार्किंग नहीं मिलती है। ये देखो यहाँ पर पूरा आपको तिब्बती के स्टोन्स सब मिलेंगे, बहुत ऐसे यहाँ पर बहुत है। देखो इधर भी है, आज ठंड थोड़ी कम है तो अच्छा है। ये देखो पूरा यहाँ पर आपको बुद्ध भगवान के स्टैचू वगैरह मिलेंगे, यहाँ पर ये स्टोन्स हर एक जगह दिखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सब स्टॉप शॉप में। और ये ऐसे बहुत यहाँ के लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उसके लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाटा वालों ने अपना स्काई वे भी बनाया हुआ है, वहाँ से पूरा जाता है स्काईवे रोपवे में। देखो धर्मशाला स्काईवे, टाटा का एक ये स्काईवे, मेरे को लगता है वो तरफ छोड़ता है पूरा। आपको दिख रहा होगा, देखो कितना स्टाइल में बनाया हुआ है। हाँ, ये देखो अवतार को क्या पहनाया है, अवतार को क्या पहनाया है, वर्ल्ड कप अर्जेंटीना का प्लेयर है ये भी। ये देखो आपको मैंने जैसा बोला था,
ऐसे आपको बहुत जगह मिलेगी। अपने बुद्ध भगवान का स्टैच्यू और पूरे ऐसे मिलेगा, देखो और वो बाउल मिलेंगे मेडिटेशन के और बुद्धा भगवान की स्टैचू के भी। देखो यहाँ के लोग ज़्यादा ये बाई करने में अपनी रुचि दिखाते हैं। देखो बहुत सही है, एक छोटी से एकदम छोटी से लेके एकदम बड़ी तक आप चल रहे हो। देखो ये देखिए सर, जैसा आपको दिखाई दे रहा सब तिब्बतियन और चाइनीज स्टाइल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर सब्वे और बरिस्ता भी है। हम लोग आ गए दलाई लामा टेम्पल के एंट्रेंस पे और यहाँ पर एक बुद्ध भगवान की स्टैचू भी है। अभी अंदर जाकर आपको दिखाते हैं, शायद रिकॉर्डिंग अलाउड होगी तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो आप डिब्बे, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है पर यही है, हमने पूछा है। अरे बेटा रुक गया, चलो आपको जाके दिखाते हैं। पूरा यहाँ पर चाइनीज टाइप में बना हुआ है, आपका मार्केट बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट डायलिस्टिक्स इधर है, इंस्टीट्यूट हो गया इनकी ट्रेनिंग के लिए। ये देखो एंट्रेंस टू टेम्पल, अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा चलने का है तो आपको अंदर दिखाता हूँ। कल जा रहे हैं दलाई लामा टेम्पल के अंदर, ये देखो बुद्ध भगवान की यहाँ पर स्टैचू बनी हुई है। यहाँ पर बोलना मैंने उसके लिए थोड़ा कम बोल। ये देखो यहाँ पर ये 37th किंग भी कहते हैं। हम लोग बाहर आ गए हैं मंदिर के अंदर, इतना बोला अलाउड नहीं था, मैंने आपको शूटिंग करके दिखा दिया। तो ये मैंने जैसा कि बताया था इनके संस्कृति का ऐसे हमको घुमाना पड़ता है, राइट हैंड को देखो ऐसे घुमाना है इसको। यहाँ पर इनकी पूरी तिब्बती लैंग्वेज में लिखा है, ये घुमाने से हम यहाँ पर मंदिर में आते वो स्वीकार होते हैं, ऐसा कुछ इनका मानना है। अभी यहाँ पर और एक्सप्लोर करने लायक क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पर देखो हम पूरे लाइन में आपको आप यहाँ पर ट्राई करके दिखाई लाइन में, तो देखो सब है भारी है ये, वैसे पूरा सब एक लाइन में देखो देखो पूरा लाइन में। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेने के बाद पता चला जो ये रोप है वो यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो वहाँ से नीचे जाता है धर्मशाला के बस स्टैंड, धर्मशाला बस अड्डा। ये देखो पूरा यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसे हम भी जा सकते पर देखो इसके अंदर पूरे यहाँ के लोकल लोग ही जाते हैं ज़्यादातर, बस स्टैंड जाते हैं, यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ये। तो अभी हमने पूरा बुद्धिस्ट टेम्पल एक्सप्लोर कर दिया है, दलाई लामा टेम्पल को या बुद्धिस्ट टेम्पल को दोनों एक ही है। देखो पूरा धर्मशाला यहाँ से दिख रहा है, थोड़ी हाइट पर है। अभी हम लोग जा रहे हैं भिक्षुनाथ टेम्पल, आपको दिखाते हैं। मेन एंट्रेंस है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, यहाँ पर आपको अंदर दिखाते हैं।
तो ये देखो, ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से मेन एंट्रेंस है, पर विजिटर्स का एंट्री वहाँ से, यहाँ पर नेट है, यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, देखो बैट लेकर आया है, बॉलिंग मशीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी ट्राई करते हैं अगर हमको खेलने का मौका देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टैंड बना हुआ है, हम लोग जा रहे हैं अंदर यहाँ से, और ये है वेस्ट स्टैंड। चलते ऊपर, और ये रहा वो स्टेडियम, अभी तो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ग्राउंड घास नहीं दिखेगा हमको। ये देखो, यही वो फेमस जो आपने फोटोज में देखा होगा। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तो फिलहाल। लाइट्स और यहाँ पर बैठने के लिए ऑडियंस को, यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से। अभी यहाँ पर 2 महीने बाद मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, इसके लिए पूरे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वैसे वहाँ पर इतने मैचेस नहीं होते यहाँ पर बाहर का भी बहुत ही अच्छा है, जब खेलते होगे तो क्या ही दिखता होगा बाहर के। यहाँ पर देखो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि मैचेस आने वाले हैं। यहाँ पर देखो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, वो तरफ भी पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, वो VIP बॉक्स है, ये VIP बॉक्स है। ये देखो फ्लड लाइट्स नहीं यहाँ पर, वो देखो वापस स्कोर बोर्ड है, फ्लड लाइट्स नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता है रात को मैचेस नहीं होते होगा, IPL तो होते ही नहीं, उसके लिए फ्लड लाइट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना गैप रखा है ताकि कोई कूद के जाए जा भी ना सके। सीटिंग कैपेसिटी वैसे इतनी नहीं है पर स्टेडियम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू ऊपर से। राइट दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं डलहौजी, कम से कम 6 घंटे का सफर था, नहीं 6 घंटे 5 घंटे का सफर था, हाँ 5 घंटे के सफर के बाद पहुँच चुके हैं। तो अभी थोड़ा लेट हो गया, तो मैं बीच में मतलब देखने लगा कुछ नहीं था तो मैं ब्लॉग नहीं बनाया, तो हम लोग आपको देता था एक क्विक ग्राउंड टूर, क्योंकि सुबह तक पूरा गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी पार्टी लाइट्स, और यहाँ पर 2 बेड है सेम, एकदम ट्विन बेड्स कह सकते हैं इनको, बड़े दो किंग साइज बेड, और यहाँ पर एक सोफ़ा है, और एज यूजुअल TV तो हम देखें कि नहीं, और ये गर्म पानी के लिए ये तो बहुत यूज़ आएगा, और यहाँ पर कांच, और यहाँ पर एक सुंदर सी पेंटिंग टेबल। ऐसे मैंने व्यू चेक कर लिया, इतना अच्छा नहीं आ रहा, क्या पता शायद सुबह अच्छा आ जाए। देखो चलो, अभी हम लोग कल जा रहे हैं खजियार, तो डलहौजी में ही आता है, कल एक्सप्लोर करेंगे खजियार और आपको दिखाएंगे। तो मैं आज का ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ, थैंक यू सो मच वॉचिंग।